नमस्कार, मैं डॉक्टर रीना अरोड़ा आयुर्वेदिक क्लिनिक दिल्ली में आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करती हूँ। मैं रेगुलर स्पीकर हूँ ऑल इंडिया रेडियो पर और डीडी नेशनल पर। आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पर एज डॉक्टर रीना अरोड़ा एंड रीना अरोड़ा। और आज का मेरा टॉपिक है हेयर प्रॉब्लम्स, जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगी खालित्य, वालित्य और इंद्रलुप्त। लंबे बाल और अच्छे बाल सबकी क्वालिटी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करते हैं, इसलिए बालों को एक हेल्दी स्टेट में रखना एक जिम्मेवारी है सबकी। क्योंकि जैसे फेस रिप्रेजेंट करता है एक हेल्दी स्टेट ऑफ बॉडी को, वैसे ही हेयर्स भी रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसे मॉडर्नाइज्ड इरा में सभी लोगों को बहुत सोफिस्टिकेशन मिली हुई है, लग्जरीज मिली हुई हैं, बट उसके साथ सेडेंट्री लाइफ भी मिली है, स्ट्रेस भी मिला है और हेक्टिक स्केड्यूल्स भी मिले हैं, और उसके साथ साथ फॉल्टी डाइटरी हैबिट्स भी हैं। लोग खुद खाना बनाना प्रेफर नहीं करते हैं, आउटडोर कैटरिंग, जंक फूड, स्टेल फूड्स सब चलता है। दीज ऑल हैबिट्स इन्फ्लुएंसेस द होम्योस्टेसिस of the body and create other health problems. उनमें से बालों की समस्या भी एक है, और बालों की समस्या जो है पूरे समाज में धीरे धीरे बढ़ रही है और हमारी लाइफ की क्वालिटी को भी अफेक्ट करती है। बहुत सारे सालों के में अगर बाल लॉस हो जाए तो उसका इफेक्ट जो है दिमाग पर पड़ना शुरू हो जाता है, अगर काफ़ी सालों तक की प्रॉब्लम चलती रहे तो। और जो इसका डर्मेटोलॉजी लाइफ क्वालिटी इंडेक्स है, यानी कि कितना इसका असर पड़ता है मनुष्य पर, वो करीब करीब सोरीसिस के बराबर है, जो कि बहुत भयानक बीमारी मानी जाती है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि बालों की समस्या भी कोई कम नहीं है। बाल गिरने को खालित्य बोलते हैं आयुर्वेद में, यानी खाली बनाना, और आयुर्वेद लिटरेचर में इसको खालित्य के रूप में एक्सप्लेन किया गया है। इसको आचार्य चरक और अष्टांग हृदयकार ने शिरोरोग में इंक्लूड किया है, और ये जो इंक्लूजन है ये इसके स्थान के बेसिस पे किया गया है कि इनका दोनों का स्थान सेम है और दोनों की संप्राप्ति भी सेम है, और इसीलिए इसको 9 प्रकार के जो शिरोरोग हैं उनमें लिया गया है। सुश्रुत संहिता, अष्टांग संग्रह, योग रत्नाकर, माधव निदान इत्यादि ने खालित्य को शुद्ध रोग में इंक्लूड किया है, और ये जो इंक्लूजन है शुद्ध रोग का, ये माइल्डनेस और डिजीज पे है, क्योंकि इसमें डिजीज ज़्यादा बड़ी नहीं होती, इसीलिए इसको शुद्ध रोग बोला गया है। और ये ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग भी नहीं है, कम सीवियर है, इसलिए इसको शुद्ध रोग बोला गया है। और इसमें और भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम है बाकी डिजीजेस से। गयदास ने ऐसा बोला है कि ये डिजीजेस कम माइनर इसलिए हैं क्योंकि इनके जो सिम्टम्स हैं और जो बाकी चीज़ें हैं वो बहुत माइनर हैं, इसीलिए इसको शुद्ध रोगों में भी गिना है। आयुर्वेद में 7 धातुओं का वर्णन है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। और ज़्यादातर आचार्यों ने एक धातु का, जो बाद वाली धातु है उससे पहले वाली धातु से उसका प्रोड्यूस होती है वो, और उसी की अग्नि से नेक्स्ट धातु प्रोड्यूस होती है। जैसे रस अग्नि आहार रस को रस धातु में कन्वर्ट करती है, फिर रक्त अग्नि रस धातु को रक्त धातु में कन्वर्ट करती है। इस तरह से 7 धातुओं का निर्माण होता है, और इनके साथ साथ हर एक धातु का उपधातु और मल भी निकलता है। इस प्रोसेस के दौरान जो धातुएं बनती हैं, अस्थि धातु का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो वो अपनी अग्नि से उससे मज्जा धातु निकलती है, और उसका जो शार्प पार्ट होता है उससे बालों के बाल आते हैं और बॉडी के, और जो नाखून आते हैं ये उनका मल माना जाता है। आचार्य शारंगधर ने बॉडी के और सिर के बालों को
मज्जा धातु का उपधातु माना है। और इन सबसे ऊपर जो गर्भज भाव है बालों के लिए वो पितृज भाव माना जाता है, यानी जो बच्चों के बाल हैं वो पिता पर निर्भर करते हैं, उनकी पूरी बालों की क्वालिटी एट्सेट्रा पैटर्नल साइड पर डिपेंड करती है। हेयर ज़्यादातर पृथ्वी महाभूत से बनते हैं और हेयर फॉर्मेशन इंट्रायूटरन लाइफ में 6 मंथ से स्टार्ट होती है, इसीलिए गर्भिणी चर्या भी उस टाइम फॉलो की जानी चाहिए, क्योंकि गोक्षुर एडवाइज्ड है उस पीरियड में, जो कि केश्य माना जाता है। और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस जो हेयर है इसको डिफाइन किया जाता है, कैरेटिनाइजेशन ऑफ जर्म सेल से बनता है, ये एक एपिडर्मल अपेंडिज है जो कि डर्मिस के साथ लाई करता है। आज के डिसिप्लिन में हेयर इज प्रेजेंट इन एवरी डिसिप्लिन ऑफ द एपिडर्मिस बिसाइड द पाम सोल एंड लिप्स, सिर्फ इन 3 जगह पर बाल नहीं होते बल्कि बॉडी में हर जगह पर बाल होते हैं। और हेयर डेवलपमेंट जो है रेपिटेटिव साइकिल के अंडर होती है। स्कैल्प में हेयर 3 फेजेस में ग्रो करते हैं, एनाजन, कैटाजन एंड टिलोजन। एनाजन सेगमेंट जो है ये ज़्यादातर 3 से 5 साल तक चलता है और एक हेल्दी स्कैल्प पे अराउंड 1 लाख हेयर्स होते हैं और 90% फॉलिकल्स जो हैं वो हमेशा एनाजन सेगमेंट ऑफ हेयर डेवलपमेंट में होते हैं। और कैटाजन स्टेज जो है वो इसके बाद आती है जब फॉलिकल जो है डॉर्मेंट स्टेज में रहना शुरू कर देते हैं, जो सिर्फ 2-3 हफ्ते तक चलती है। और जो टिलोजन स्टेज है ये एक डॉर्मेंट स्टेज है, या इसको रेस्टिंग स्टेज भी कहते हैं, जो कि कुछ महीनों तक चलती है। अब ओरिजिन ऑफ हेयर, जब ये स्टेज ख़त्म होती है तो हेयर गिर जाते हैं, तो ये एक नॉर्मल रूटीन है, नए बालों का आना पुरानों का गिरना। और ये हेयर फॉलिकल जो है ये एनाजन स्टेज में पहुंच जाती है और नया एक हेयर फिर से बनना शुरू हो जाता है। इस तरह से हेयर ग्रोथ का साइकिल चलता रहता है और 50-60 हेयर रोज निकलते हैं और नॉर्मल हेयर ग्रोथ साइकिल चलती रहती है। अब संप्राप्ति क्या है खालित्य इंद्रलुप्त एक्सेट्रा की? धीरे धीरे जो बाल झड़ते हैं ग्रेजुअल फॉलिंग ऑफ हेयर, इसको खालित्य बोलते हैं। जब उसके साथ पित्त मिल जाता है बात के साथ, जब फैन पित्त कंबाइन विद वाता और कफ दोष टू डिस्ट्रॉय द हेयर, तब इसको खालित्य बोलते हैं। और इसीलिए मैं यहीं पे बताना चाहूँगी, वैसे ये आगे भी स्लाइड्स में आएगा, सिर पर गर्म पानी डालना मना करते हैं क्योंकि वो बालों के लिए और आँखों के लिए अच्छा नहीं होता है। और आचार्य चरक ने तेजस धातु यानी कि जो हीट ऑफ द बॉडी है, ये अगर बाकी दोषों के साथ मिल जाए और स्कॉर्चेस ऑफ द हेयर रूट उसको अगर जला देती है तो वहाँ पे इंस्टेंटेनियस एलोपेशिया हो जाता है, ये मैंने बताया हुआ, इसीलिए गर्म पानी सिर पर डालना मना किया है। एक और टर्म यूज की गई है इंद्रलुप्त के लिए टेक्स्ट में, रूए और छाछ जो हैं ये भी इसके सिनोनिम्स हैं। अकॉर्डिंग टू आचार्य कार्तिक, फॉलिंग ऑफ हेयर फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी इज कॉल्ड रूए। कुछ डिफरेंसेस होते हैं खालित्य में और इंद्रलुप्त में। खालित्य में हेयर लॉस ग्रेजुअल होता है और जनरलाइज होता है स्कैल्प के ऊपर, और हेयर जो सडनली लॉस होते हैं और एक पैच की फॉर्म में जो लॉस होते हैं वो इंद्रलुप्त में होता है। और जब कफ दोष रक्त के साथ मिल जाता है तो जो डिजनरेशन होती है और फॉलिकल्स का रोमकूप जो है वो बंद हो जाते हैं तो भी बाल्डनेस का कारण बनते हैं। संप्राप्ति जो खालित्य की है, इसमें एक चीज़ और मैं दोबारा बताना चाहूँगी, अगर वायु के साथ ये मिले तो स्कैल्प पे बर्निंग होती है, पित्त अगर साथ में हो तो स्वेटिंग होती है, और कफ अगर साथ में हो तो थिकनिंग ऑफ स्किन हो जाती है। दारुणक भी इसका एक पार्ट है जो आगे आएगा। और इसमें और जो काजेज बताए गए हैं, उष्ण गुण जो पित्त दोष के हैं, जो इंडिविजुअल्स पित्त प्रकृति के हैं जिनके बाल गिरने या सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं, ऐसे लोगों को और दूसरे लोगों के कंपैरेटिवली ज़्यादा बाल झड़ते हैं। और हाँ, बालों की एक टेंडेंसी है
कि जैसे जैसे एज बढ़ती है उनका कलर फेड होता जाता है। और डेंड्रफ जो है ये भी एक कॉमन काज है हेयर फॉल का। हार्मोनल फैक्टर्स प्रेडोमिनेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं इसमें। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीज़न है। इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है ये भी एक कारण है जो हेल्दी ग्रोथ को रोकती है। और जो इसके काजेस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी।